आई फील सो 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 प्राउड. पहली फिल्म उसकी ढिशके आऊँ, उसके गाने सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए. दिन पार्टी तो बनती है, बिकम ह्यूज हिट एंड नाउ इट्स अगेन अमित साहनी की लिस्ट. सो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ. और उसके पास अभी 18 मूवीज़ हैं जिनमें वो काम कर रहा है. आई हैड सॉन्ग तू ही है आशिकी इन ढिशके आऊँ, फिर उसके बाद ये है अमित साहनी की लिस्ट में एक रोमांटिक ट्रैक है जो कि मैंने अरिजीत भैया और अनिरुद्ध भुलाने का आया है. उसके बाद भी उसकी हर फिल्म में एक गाना तो मेरा पक्का ही है. पलाश का जो फर्स्ट स्क्रैच होता है, वेरी फर्स्ट स्क्रैच, वो सबसे पहले मुझे सुनाता है. उसके बाद इस बार मैंने उसके लिए लिरिक्स भी लिखे हैं. और स्टूडियो में हम लोग बिल्कुल भाई बहन जैसे बिहेव नहीं करते हैं, स्पेशली जब वो मुझे गवाता है तब हम लोग बहुत प्रोफेशनल्स हो जाते हैं. और डायरेक्शंस मिलते हैं उससे मुझे पूरे. अभी हमशक्ल्स है जिसमें दो गाने मैंने गाए हैं रिसेंटली, उसका एक गाना रिलीज़ हुआ. उसके बाद सलमान सर की मूवी भी आने वाली है. फिर उसके बाद पलाश की बहुत सारी मूवीज है, देन ट्रैफिक है, देन इश्केरिया है और बहुत सारी. आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू द गॉड एंड आई एम जस्ट डूइंग एंड जस्ट हैपनिंग एंड नाउ इट्स व्हाट द फर्क FARK नाउ विद अस एंड जस्ट हैविंग फन शूटिंग डांसिंग. सर आई डोंट नो, आई थिंक जब आप बहुत खराब डांसर हो जो मैं हूँ. लोग कहते हैं ना दे हैव टू लेफ्ट फीट, मेरे पास करीबन 17 लेफ्ट फीट है. Having composers like Palash making great tracks like What the Fark helps camouflage how bad I am at singing and dancing in these tracks. But I'm having fun. It's a fun. Everybody in the film, all the friends, jitne bhi writers वगैरह सबको इस song में एक part दिया गया है. Palash हमारे composer है, so he's the vocalist. Shiv हमारे writer है, so he's the drummer. हमारे choreographer guitarist है, so everybody's got a role in this song. बहुत अलग music है और commercial song के साथ romantic tracks भी है. और फिल्म मैंने पहले देखी थी जब मैंने सोचा नहीं था, मतलब जब मेरे पास सिर्फ कमर्शियल सॉन्ग था. लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने प्रोड्यूसर को खुद बोला कि एक रोमांटिक ट्रैक आना चाहिए फिल्म में. और मैं रोमांटिक ट्रैक गया और बहुत अच्छा है वो. अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल गा रही है मेरी सिस्टर ऑब्वियसली. तो बहुत अलग था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने. व्हाट द फर्क सॉन्ग में जैसा मैंने कहा डबस्टेप यूज़ किया है, देन EDM डबस्टेप के साथ तबला यूज़ किया है और वो वीरदास भैया के साथ. इट्स लाइक मैं उनका बहुत गो गॉन से फिल्म देखा उसके पहले से एक्चुअली एंड रियली एंजॉयिंग. और मेकिंग में हम लोग अभी है सॉन्ग की वीडियो में हम लोग मस्ती कर रहे हैं.